हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, एक कटोरी बेसन, मिल्क पाउडर, इलायची, घी और चीनी, हाफ कटोरी और बादाम क्रश किए हुए। तो अब मैं सबसे पहले चीनी को मेल्ट कर दूंगी। मैंने हाफ कटोरी वाटर लिया है, इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और इसको मेल्ट कर दूंगी और पानी को अच्छे से बॉईल करूंगी। चीनी वाला चाशनी बना दूंगी एक हिसाब से इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची, जो मैंने इलायची कुटी थी। इसे बेसन की बर्फी में अच्छे से टेस्ट आएगा, अच्छी खुशबू आएगी। ये इसमें मेल्ट हो गई है। अब मैं लूंगी कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड करूंगी घी हाफ कटोरी जो मैंने लिया था। घी को भी मैं अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। को गर्म नहीं करना, अच्छे से मेल्ट होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, और बेसन ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐसे हिलाते रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना निकले और ना ये नीचे लगे। बेसन को हमने ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, बस इसको थोड़ा सा पकाना है लो फ्लेम पर और अच्छे से हिलाते रहना है। मेरा बेसन पक के रेडी हो गया है और इसको ऐसे हिलाते रहना है 10-5 मिनट के लिए। ऐसे इसको हिलाते रहना और पकाना है। ये मेरा बेसन पक गया है, मैं गैस बंद कर दिया और इसको ऐसे हिलाते रहूँगी ताकि नीचे ना लगे, ब्राउन ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और साथ में मैं इसको ऐसे मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें गांठें ना पड़े। गैस मैंने बंद कर दिए। अब मैं इसको अच्छे से मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने चीनी को मेल्ट किया था पानी में। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा इसका बेसन की बर्फी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप वाइट शुगर ले सकते हो, मैंने ब्राउन शुगर ली हुई थी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ठीक सा बनाना है बस। मेरा बेसन का कलर थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, इसीलिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो। इसको ऐसे हिलाते रहना है और मिक्स करना है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब लेंगे हम एक ट्रे में मैंने पहले ऑयल लगाया है, अब मैं इसको इसमें निकाल दूंगी। मैंने इसे निकाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे बादाम लिए मैंने, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से इसमें प्रेस करूंगी। तो अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। आप जल्दी ठंडा करना चाहते हो आप फ्रीजर में रख सकते हो, पर वो ज़्यादा जाम हो जाएगा। ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसको कट करूँगी। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी, मैंने इसके पीस बना दिए और मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत सॉफ्ट है। तो ये थी मेरी आज की बेसन की रेसिपी, बेसन की बर्फी की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।